और अब अफसोसनाक खबर आपको दें, जमीयत उलमा इस्लाम के कुरम एजेंसी से मुंतखब होने वाले कौमी असम्बली के रुकन मुनीर खान औरंगज़ई इंतकाल कर गए। मुनीर औरंगज़ई हाल ही में कोरोना वायरस से सेहत याब हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी रहनुमाओं ने रुकन असम्बली के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। तफसीलात बताएंगे औरंगज़ेब काकर। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले मुंतखब रुकन कौमी असम्बली मुनीर खान औरंगज़ई इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक मुनीर औरंगज़ई का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। मुनीर औरंगज़ई ने हाल ही में कोरोना वायरस को शिकस्त दी थी। गुज़िश्ता कौमी असम्बली के इजलास के दौरान रुकन कौमी असम्बली मुनीर औरंगज़ई की तबीयत अचानक नासाज हो गई थी, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया था। मरहूम का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जिला कुरम एजेंसी से था। मुनीर औरंगज़ई वफाकी वजीर व सेनेटर भी रह चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वजीर फवाद चौधरी समेत अहम सियासी शख्सियत ने मरहूम के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए इनके मुल्क के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश किया है। फवाद चौधरी ने मुनीर औरंगज़ई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि एक बार फिर इस बात पर जोर दूंगा कि पार्लियामेंट के बराह रास्त सेशन से गुरेज किया जाए। पार्लियामेंट के जो सेशन बराह रास्त मुनक़द हुए, इसके नतीजे सामने आ रहे हैं। मुतअद्दिद अरकान ने पार्लियामेंट बराह रास्त सेशन के बाद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। पार्लियामेंट के होटलों में बराह रास्त सेशन बुलाने के बजाय वर्चुअल इजलास किए जाए।